जिस प्रकार से अपराध बढ़ रहे हैं और खास करके राजधानी पटना में, उससे यहाँ के स्थानीय निवासी काफी परेशान हैं। और इससे भी ज्यादा खतरनाक सूखे नशे की लत युवाओं में, जो कि पूरे परिवार को तबाह किए हुए है। बहुत सारे बच्चों की मौत ब्राउन शुगर से हो चुकी है और गली गली में गांजा ड्रग्स आराम से उपलब्ध हो जा रहा है। इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर आज पटना के कारगिल चौक पर समाज सेवक एवं समाज सुधारक उत्कर्ष कुमार सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए अपनी बातों को जनता के समक्ष रखा। बन चुकी है जो हर साल उसका अंडा बड़ा होते जा रहा है, लेकिन इस पे कोई कार्रवाई नहीं होती और वो हवाई जहाज लेते हैं। एक बार जमीनी स्तर पे आइए और देखिए क्या स्थिति हो चुकी है यहाँ बिहार और पटना की। सारे युवा सूखे नशे की लत में बर्बाद हो रहे हैं। सबके नस्ल में ब्राउन ड्रग्स शुगर हर चीज गांजा हर चीज बढ़ते जा रहा है और पूरी स्थिति खराब हो चुकी है। जितने भी नशा मुक्ति केंद्र हैं 15 से 28 साल के बच्चे वहाँ पे भर्ती हैं। अगर शराब बंद है तो किस नशे में वहाँ पे भर्ती हैं? जरा नीतीश कुमार को ये जानना चाहिए था, लेकिन वो अपनी महत्वाकांक्षा के चलते आज झूठी शान के चक्कर में ये शराबबंदी किए हुए हैं। एक तो राजस्व का नुकसान है और शराब आ रही है, नकली शराब यहाँ बन रही है, किसी से छुपी हुई नहीं है। गुटखा बंद है, गुटखा खुलेआम हर घूमटे में मिल रहा है। क्या यहाँ के पुलिस को नहीं दिख रहा है? क्या यहाँ के अधिकारी को नहीं दिख रहा है? क्या यहाँ के विधायक को नहीं दिख रहा है? कुम्हरार के विधायक नितिन अरुण कुमार सिन्हा जी, बांकीपुर के विधायक नितिन नवीन जी, जो रोजाना देखते रहते हैं, घूमते हैं, अपने क्षेत्र का ब्यूरो लेते हैं, क्या उनको नहीं दिख रहा है? ड्रग्स भी पुलिस प्रशासन के नेतृत्व में। अरे मैं आपको 5 दिन पहले की घटना बता रहा हूँ, कदमकुआं थाना की बात बता रहा हूँ, जहाँ पे एक लड़के को मैंने खुद 5 पुड़िया ड्रग BS के पुड़िए के साथ पकड़ा, लेकिन उसे कदमकुआं थाना वाले छोड़ दिए। किस कारण से छोड़े इसका अभी तक कोई जवाब नहीं मिला है। पैसा लेके छोड़ दिया गया उसे। और यहाँ पे बाकरगंज में एक लड़के की मौत हो गई, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। पुलिसिया राज और युवाओं में जो बढ़ते हुए सूखे नशे की लत है, उसके खिलाफ हम लोग ने निकाला है। आज यहाँ पे बिहार में नीतीश कुमार के कार्यकाल की अवधि 16 साल पूरे होने को है। इस बीच बिहार के जनता और बिहार के युवाओं ने उनसे मांग की थी, उन्हें रोजगार मिले, अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था मिले, अच्छी शिक्षा व्यवस्था मिले, लेकिन इन बिंदुओं पर उन्होंने चर्चा नहीं की। उन्होंने सिर्फ चर्चा की तो सिर्फ और सिर्फ शराबबंदी पे, उस खोखली शराबबंदी की, जिसके कारण पूरा बिहार तस्करी और कालाबाजारी का एक अड्डा बन चुका है, कालाबाजारी का अड्डा बन चुका है। आज यहाँ पे हर चीज़ की तस्करी हो रही है, चाहे वो ड्रग्स की हो, नशीली दवाइयों की हो, शराब की हो, हर चीज़ की कालाबाजारी हो रही है और हर घर बर्बाद हो चुका है। और इतनी आसानी से आजकल पुलिस के साथ घाट और तस्करों के साथ घाट से इतनी आसानी से आजकल उपलब्ध हो जा रहा है ड्रग्स, कोकीन, BS, गांजा, नकली शराब, हर चीज़ इतनी आसानी से उपलब्ध हो जाता है कि सारे युवा इसमें फंस चुके हैं और पूरे घर बर्बाद हो चुकी है। जो नीतीश कुमार बात करते थे कि कहते हैं उन्होंने महिलाओं की खुशी के लिए की है, तो महिला एक माँ भी होती है। आज ना जाने कितनी महिलाओं की उन्होंने आंचल सुनी कर दिया है। नीतीश कुमार किसके बारे में इसके खिलाफ क्या बोलेंगे? बिहार जो कि एक पहले से पिछड़ा राज्य था, गरीब राज्य था, बीमारू राज्य था, उसमें एक और महामारी नीतीश कुमार ने फैला दी है और उस महामारी का नाम है नशा, कहते हैं सूखे नशा, जो कि आज युवाओं में एकदम उग्र मतलब भयावह स्तर पर फैलते जा रही है। हर युवा, हर दूसरा घर इससे प्रभावित है। अभी हाल फिलहाल में बाकरगंज में हमारे एक मित्र थे जिनकी मौत हो गई, उसकी 2 बेटियाँ, 1 4 साल की, 1 7 साल की, आखिर उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? कौन लोग करवा रहे हैं शराब का? ये पुलिस प्रशासन और यहाँ के अधिकारी मिल के ही यहाँ पे ये सब करवा रहे हैं। आज बताया जा रहा है कि गुटखा बैन है, शराब बैन है, लेकिन हकीकत आप जान रहे हैं कि हर गुमटी, हर चौक चौराहे पे गुटखा मिल रहा है। ये किसी से बात छुपी हुई नहीं है, ये आप सबको पता है। गांजा खुलेआम मिल रहा है, गोगो जो मिलता है हर गुमटी पे मिल रहा है, आखिर उसका क्या उपयोग होता है? गोगो का उपयोग क्या होता है बताइए? क्या आप चाह रहे हैं नीतीश कुमार क्या चाह रहे हैं कि सारे पूरे बिहार के यहाँ पे गंजेड़ी बन जाए, नशेड़ी बन जाए और सोचने समझिए कि शक्ति भूल जाए? नीतीश कुमार यही चाह रहे हैं कि उड़ता बिहार कैसे करे विचार, ठीक है कि नहीं नीतीश कुमार? लापरवाही अधिकारियों की है, नीतीश कुमार जी की है, जो अपने अति महत्वाकांक्षी के चक्कर में अब उनको PM बनने का शौक चढ़ा है। CM का गद्दी नहीं संभाला जा रहा, उन्होंने अपना नाम तो गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज करा लिया, लेकिन बिहार का कहाँ दर्ज कराया? बिहार आज भी अति पिछड़ा राज्य है, सबसे गरीब राज्य है, सबसे बीमारू राज्य है, बाढ़ राज्य है। बिहार से निजात चाहिए था, लेकिन बाढ़ पे कोई बात नहीं होती है। बाढ़ तो अब सोने के अंडे देने वाली मुर्गी बन चुकी है, जो हर साल उसका अंडा बड़ा होते जा रहा है, लेकिन इस पे कोई कार्रवाई नहीं होती है और वो हवाई जहाज लेते हैं। एक बार जमीनी स्तर पे आइए और देखिए क्या स्थिति हो चुकी है यहाँ बिहार और पटना की। सारे युवा